राजधानी जयपुर में कई व्यवसाय ऐसे हैं जिन पर कोरोना का कहर जमकर बरपा है। इन्हीं में शामिल है टेंट और मैरिज गार्डन का व्यवसाय। पिछले ढाई महीने से शादी समारोह पर लगी पाबंदी ने इस व्यवसाय को पूरी तरीके से ठप कर दिया है। इस व्यवसाय से जुड़े लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हुआ है। अब टेंट डीलर समिति ने सरकार से मैरिज गार्डन में शादी समारोह की अनुमति मांगी है। समिति के अध्यक्ष रवि जिंदल इसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल को ज्ञापन भी सौंप चुके हैं। इस कारोबार से जुड़े लोगों की बात की इनके साथ में बात की हमारे संवाददाता बीके शर्मा ने। कोरोना के कारण बहुत से उद्योग और व्यापार प्रभावित हुए हैं, बहुत सारे व्यापार ठप हो गए हैं। उन्हीं में से एक है टेंट और मैरिज गार्डन का व्यापार। यहाँ राजधानी जयपुर में आप देखेंगे कि बहुत सारे जो मैरिज गार्डन हैं और विवाह स्थल हैं वो अभी लगभग दो ढाई महीने से सन्नाटा वहाँ पर पसरा हुआ है। आमतौर पर इन दिनों में बहुत सारी शादियाँ होती है तो यहाँ पर काफी चहलकदमी होती है, रौनक रहती है शादी की। लेकिन अभी यहाँ इन आप जो मैरिज गार्डन है वहाँ आप देख सकते हैं कि सुस्ती है और किसी तरह की कोई एक्टिविटी, कोई हलचल नहीं है। अब परेशानी से जुड़े हुए राज्य भर में करीब 4 लाख लोग हैं जो सीधे सीधे उनको रोजगार मिलता है इस व्यवसाय से, उनको लेकर चिंता है। और राजस्थान टेंट डीलर्स एसोसिएशन है वो इसके लिए सरकार से भी मांग कर रहा है कि कुछ रियायतें दी जाएं और ताकि ये शादियां भी हो, समारोह हो और इनको रोजगार मिल सके। रवि जिंदल हमारे साथ हैं, अध्यक्ष हैं एसोसिएशन से। जिंदल साहब, ये बताइए कि क्या गाइडलाइन है, किस तरह से सरकार को क्या करना चाहिए ताकि ये व्यवसाय अपनी गति पकड़ सके। सर, 15 मार्च से शादियां बंद है, उसके बाद 25 मार्च से लॉकडाउन हो गया और अभी तक शादियां बंद है। सरकार ने 50 व्यक्तियों की गाइडलाइन के हिसाब से शादियां करने का आदेश दे रखा है, लेकिन इस 50 व्यक्तियों की जगह हम चाहते हैं कि कम से कम 300-400 लोगों के शामिल होने की घोषणा करें, क्योंकि ये जब तक नहीं करेंगे तब तक हमारा व्यापार नहीं चलेगा। 1 जून से 1 जुलाई तक देव सवनी ग्यारस का लास्ट सावा है, उसके बाद में सीधा सावा आएगा 25 नवम्बर को देव उठनी ग्यारस। अब इस दरमियान 5 महीने का पीरियड ये रह गया तो हमारे छोटे छोटे व्यापारी, हम टेंट व्यवसायी रोड पे आ जाएंगे। राजस्थान में 50-55 हजार टेंट व्यवसायी और उसके साथ हमारे जुड़े हुए इवेंट भाई और अन्य व्यापारी लगभग 3.5 लाख व्यापारी हुए हैं। टोटल हम 4 लाख व्यापारी और उनके साथ 10-12 लाख कर्मचारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सरकार से मांग करते हैं 300-400 व्यक्तियों के लिए दे देंगे तो हम छोटे छोटे व्यापारियों के लिए जीवन दान हो जाएगा, थोड़ा बहुत खर्चा ही निकाल लेंगे तो हम आगामी जो 5 महीने ऑफ टाइम है उस ऑफ टाइम में हमारे को जीवन दान मिल जाएगा। सरकार से हमारी मांग है। यहाँ पर जो लोकल शादियाँ उनके साथ साथ जो डेस्टिनेशन वेडिंग होती है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, बिजनेस हाउसेज हैं, उनके लोगों की शादियाँ होती हैं, उसका कितना असर है यहाँ? ये राजस्थान में जो विवाह स्थल हैं करीब 12-13 हजार विवाह स्थल हैं तो उसमें कोरोना के बाद में ये बंद हो गए। अप्रैल मई जून का सीजन बिल्कुल खत्म हो गया, ये जो लग गया 25 मार्च में खुलेगा। और उसके साथ में जो हमारे NRI वेडिंग्स होती है या बाहर से आगे जो शादियाँ होती हैं उसमें करीब सब मिला के करीब 2000 करोड़ का नुकसान हो चुका, जिसमें सरकार को करीब 500 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट होनी थी वो भी नहीं हुई। और हमारे जो मजदूर हैं वो सब बेरोजगार हो गए, आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं, वो सारे को कोई काम नहीं हो रहा है। अभी सरकार हमें कम से कम 300-400 लोगों की छूट दे, जब फैक्ट्री में छूट मिल रही है, ट्रेन में छूट मिल रही है, फ्लाइट में छूट मिल रही है, तो फिर समारोह के लिए छूट क्यों नहीं दे रही है सरकार? इसमें ये हमारा सामाजिक दायित्व है जो हमें पूरा करना चाहिए। आप बताइए कि इसका एम्प्लॉयमेंट पर और जो शादी में जो दूसरे बिजनेसेस हैं, इवेंट से जुड़े हुए फ्लावर या और भी जो बिजनेस हैं, उन पर कितना असर है इसमें? अभी असर तो ये है कि सब पूरा कामकाज ही ठप है इस समय पे। आप चाहे फ्लावर, लाइट, इवेंट, किसी भी इंडस्ट्री के किसी भी बंदे की अगर बात करेंगे, सब अपनी सड़क पे हैं इस समय पे। आज मैं खुद एक इवेंट मैनेजर हूँ, मैं खुद आज सब्जियां बेच रहा हूँ। पिछले मैं 21 अप्रैल से मैं मेरे घर के बाहर एक ठेला लगा के सब्जियां बेच रहा हूँ, तो उसका कारण ये है कि मेरे साथ जो 15 लोग जुड़े हुए हैं उनको तनख्वाह देनी है, सैलरीज देनी है, मेरे गोडाउन में किराया देना है, मेरे किस्तें चुकानी है, तो मेरे लिए एक संकट का समय है इस समय कि मैं कैसे उनको मीट आउट करूँ, मेरे खर्चों को और मेरे स्टाफ को मैं कैसे सैलरीज दूँ, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अब मेरे 15 लोगों को जो 10 साल से मेरे साथ नौकरी कर रहे हैं उनको मैं मना तो नहीं कर सकता, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से मैं रेवेन्यू जनरेट करके उनको सैलरीज दे पाऊँ, इसलिए मैं सब्जी बेचने के लिए मजबूर हूँ। तो सरकार को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरह से वो हमारे को सहायता दे, कोई आर्थिक पैकेज दे और हमारे को टैक्स में रिलेशन दे और हमारी जो किस्तें हैं उनके अंदर बिजली पानी के बिल हैं जो उनके अंदर हमारे रियायत दे।
तो टेंट और विवाह स्थल व्यापारियों के ऊपर कोरोना कहर बनकर टूटा है और करीब 4 लाख लोग प्रदेश भर में से प्रभावित हैं। 2000 करोड़ का नुकसान हुआ है, इसमें से 500 करोड़ के करीब सरकार को राजस्व भी नहीं मिला है। इसलिए सारी उम्मीदें अब सरकार के ऊपर है कि कोई रियायत दे और इस तरह से पैकेज और छूट दे ताकि इनको राहत मिल सके और कुछ व्यवसाय इनका आगे गति पकड़ सके। कैमरामैन विजय मिश्रा के साथ बीके शर्मा, A1 TV, जयपुर।